हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे हालात तो आपको पता ही है कि कैसे हैं, और अपडेट हैं कुछ तो वो सोचा आपको बता दूं। पहली अपडेट तो यह है कि जो हैकर है वो अब चैनल से, मतलब एक तरीके से कहूँ कि पीछा छुड़ाना चाहता है, और उसने इस चीज़ को करने के लिए उसने मेरा चैनल जो है एक डीग्रेड, जिसे कहते हैं ना वेबसाइट है, जो जिसको आप बोलते हैं ग्रे मार्केट, उसमें उसने उस चैनल को, मेरे चैनल को वहाँ पर लिस्ट किया है $500 के अंदर। अभी आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसने लिस्ट किया है। अब ये मुझे कैसे पता चला ये भी आपको बताऊंगा। बात उससे ऐसे हुई कि जो वहाँ पर ग्रे मार्केट में जो लोग चैनल्स को ख़रीदते हैं, उन लोगों ने, उसमें से किसी एक ने मुझको कांटेक्ट किया मेल पे, क्योंकि मेल जो है वो मेरे ही पड़ा हुआ है। उसने कहा कि भाई आप जेन्युइन सेलर हैं या किसी ने स्पैम किया आपके साथ। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई खरीदने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। तो इस तरह से होता है, और वो वेबसाइट में भी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग भी अपने चैनल्स पर शेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत मेरी तरफ से आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं या जो प्रॉब्लम्स मेरे को हो रही हैं, वो किसी भी यूट्यूबर को और आने वाले किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन जो भी वीडियो बनाए, प्लीज़ मेरे साथ लिंक शेयर करें इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर मुझसे बात भी कर सकता है। सुबह मेरी एक, आप में से किसी एक भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, और एक चैनल का नाम दिया था, पाठशाला शायद चैनल का नाम है। तो मैंने उस बंदे से इंटरेक्ट किया, उससे वीडियो चैट भी मैंने उस पे इंस्टाग्राम पे की थी। तो उसने मेरे को रास्ता बताया कि भाई ऐसा करो, आप यूट्यूब इंडिया ट्विटर हैंडल जो है उसके ऊपर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिखो, और अपने सारे चैनल्स का ब्यौरा वहाँ पर दो। तो मैंने वहाँ पर लिख दिया। उसने कहा था कि टीम यूट्यूब के नाम से ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ पर भी इस चीज़ को टैग करो और वहाँ पर आप उसको लिखो, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से जो है वो सपोर्ट मिलेगा। तो अभी, क्योंकि अभी किया है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं आया, लेकिन हाँ, जो आपका यूट्यूब क्रिएटर टीम है, जो आपकी पार्टनर चैनल की क्रिएटर टीम है, उसकी तरफ से मुझे काफ़ी पॉजिटिव जो है वो रिप्लाई जो है वो आ रहे हैं, और वो जो फॉलोअप है वो मुझे आज सुबह भी मेरे को रिसीव हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि आपके जो इशू है उसको कंसिडर कर लिया गया है, और आपकी उनकी जो इंटरनल टीम है वो उस चीज़ को देख रही है। तो जिस बंदे से सुबह मेरी आज बात हुई थी, उस बंदे ने मेरे को काफ़ी कुछ बताया कि किस तरह से उसका चैनल हैक हुआ था और उसने कैसे कैसे किया। तो उसने बोला कि सर 10 से 15 दिन जो है वो लगे थे चैनल को आने में वापस, तो आप सिर्फ वेट कर सकते हैं, वेट के अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते। अब आपको मैं दो तीन ऐसी वेबसाइट्स बता रहा हूँ जिन वेबसाइट्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है। पहला तो ये जो एक्सेस मार्केट जो साइट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, और अभी आपको लैपटॉप पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर फ्रॉड किए जाते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी और यूट्यूब की जो चैनल्स होते हैं उनको किस तरह से वहाँ बेचा जाता है हैक करके, ठीक है। क्योंकि अब वो मेरे उस चैनल पर कुछ नहीं कर पा रहा है जो मेरा मेन चैनल है। देखो, सीएल एजुकेशन को तो उसने बिगाड़ ही दिया है, लेकिन जो मेन चैनल है उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय उसको बेचने के अलावा। अब वो मेरे से तो पैसे मांग नहीं सकता, अगर वो काश मुझसे 10-15 हज़ार रुपये मांगता तो शायद मैं ही उसे दे देता है, लेकिन वो मेरे को तो देगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑन है। देखो, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता जो हैकिंग करता है, उसको पता है इतना बड़ा चैनल है, तो कहीं ना कहीं ये इसने अपना सारी चीज़ें बोल दी होंगी। और आप में से कई सारे दोस्तों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए मेरे सपोर्ट में, उसके लिए आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद है, और इस तरह से मेरे को सपोर्ट करो। तो अब वो क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई खरीदता है उस चैनल को, तो क्या होगा कि जब यूट्यूब की इन्वेस्टिगेशन एट द एंड ऑफ द फेज में आएगी, तो जिसने खरीदा होगा कल्प्रिट वो हो जाएगा कि इसने हैक किया था, और इसने, और वो जो बंदा जिसने जो था हैक किया था वो बीच में से हट जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और इस तरह के चैनल्स को खरीदता है, तो बिल्कुल भी ना खरीदे, बिल्कुल भी परचेज ना करे, नहीं तो प्रॉब्लम में वो आएगा, ठीक है। तो अभी तो यही है कि उसने बेचने का प्रयास किया है सीएल एजुकेशन पे। आप में से कई लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट्स लिखे हैं, उसको बहुत गालियाँ बकी हैं, जी भर के गालियाँ बको। मेरी तरफ से पूरी पूरी इन्फॉर्म पूरी आपको वो है छूट है, बस किसी तरह से चैनल वापस आना चाहिए। और जिस भाई का चैनल हैक हुआ था, उसने बोला कि उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था कि बहुत सारी वीडियोज़ उसने डाल दी थी पबजी गेम की, लेकिन जब यूट्यूब ने उसको चैनल वापस किया तो वो सारी जो ख़राब वीडियोज़ थी उसको डिलीट करके दिया था। बट मुझे एक शिकायत है, ये है कि YouTube की जो पॉलिसी है 15 वीडियो की, वो उसने 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार वो कल से उसको ओवरलुक कर चुका है। उसने 150 से चाहे 450 के करीब वीडियोस उसने अपलोड कर दिए हैं। YouTube ने उसको रोका क्यों नहीं अभी तक? दूसरा मेरे को थोड़ा सा ये है कि YouTube इंडिया का जो टीम है,
उसने मुझे अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया है और कहीं ना कहीं उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई मुझे नहीं आ रहा है। जो भी मुझे रिप्लाई आ रहा है वो यूट्यूब ग्लोबल से आ रहा है। तो यूट्यूब की यहाँ की जो टीम है, चाहे वो गुड़गांव की हो चाहे वो मुंबई की हो, उनमें से किसी ने मेरे को अभी तक जो है कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। हालांकि आज ट्विटर पर मैंने डाला है, तो उम्मीद करूँगा कि मैं जल्दी से वो हमें रिप्लाई करें। और इसी तरह से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरी प्रॉब्लम है, आप में से कई लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है वो सॉल्व करें। तो अब मैं आपको पीसी पे लेके चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कहाँ उसने कैसे कैसे किया है। और आपका भी अगर वहाँ पर किसी का हैक हुआ है चैनल, तो वहाँ पर जाकर देख लो, हो सकता है आपका चैनल भी वहाँ पर मौजूद हो और आप उनसे, लेकिन अपने आप से पंगे मत लेना, YouTube को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि जो करेगा वो YouTube ही करेगा। ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो मुझसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सबने मेरे को यही बोला है कि जो करेगा वो YouTube करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा, और सिवाय वेट करने के अलावा फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस चैनल पर, टेक्निकल पटेंगा चैनल पर, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं बहुत कुछ अपलोड करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी फिलहाल मैं आपको इन्हीं चीज़ों की अपडेट दूंगा। लेकिन मेरा वादा है आपसे कि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दूंगा, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। अब एक गलती हो गई मेरे से तो हो गई। अब जो वेबसाइट्स हैं, एक तो यही एक्सेस वाली वेबसाइट है, दूसरी है एक वेबसाइट apk4all.com। प्लीज़ इस साइट को बिल्कुल एक्सेस मत करना, वहाँ पर आपको क्रैक्ड वर्जन मिलते हैं ऐप्स के, जो प्रीमियम ऐप्स होती हैं, चाहे वो हॉटस्टार हो चाहे वो कोई सा भी हो, प्लीज़ उसको मत करना। मैंने बहुत रिसर्च की फ़ोन के अंदर जा के देखा, तो कहीं ना कहीं apk4all से कोई ऐप डाउनलोड हुई थी मेरे फ़ोन के अंदर, जिसके थ्रू उस बंदे को एक्सेस मिला। तो क्रैक्ड वर्जन जितने भी हैं, अगर आपने अभी अपने मोबाइल में डाल रखे हैं, तो प्लीज़ उसको हटा दो, डिलीट कर दो, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, चाहे आपने कितने 2 स्टेप लगा रखे हो, कितने 3 स्टेप लगा रखे हो। तो क्रैक्ड वर्जन चाहे मोबाइल में है चाहे आपके पीसी में है, प्लीज़ उन्हें हटा दो। और पीसी के अंदर भी आप प्रॉपर एक एंटीवायरस रखो, नहीं तो विंडो 10 का जो इंटरनल होता है एंटीवायरस, जिसको हम मालवेयर डिटेक्शन बोलते हैं, वो आप ऑन करके रखो। तो चलो वो साइट्स देख लो जो साइट पे उसने मेरे साथ मेरे चैनल को बेचा है, कोशिश कर रहा हूँ उनकी बेचने की। बाकी आपकी सपोर्ट के लिए अगेन बहुत बहुत थैंक यू। आप चैनल पे अपनी वीडियो बना डाल सकते हो, मुझसे बात करनी है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सर मैं आपके इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे सर आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, वीडियो चैट भी कर सकते हैं। क्योंकि फ़ोन पे इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं कि फ़ोन भी मेरा बीच बीच में कई बार क्या होता है कि वो हो जाता है, हैंग सा हो जाता है। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। नंबर देना तो अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो मैं कॉल ही रिसीव करता रहूँगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात करिए, कॉल कीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा जो भी मेरे साथ एग्जैक्टली हो रहा है। चलिए आप पीसी पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये एक बंदा है, इसने मेरे से मेल पे जो है मुझसे कांटेक्ट किया था, और उसने बोला था कि आपका ऐसे ऐसे चैनल जो है वो यहाँ पर लिस्ट है, तो आप क्या बेचना चाहते हो या नहीं बेचना चाहते हो। तो मैंने इसको रिप्लाई किया था, भाई देख, ख़रीदने की मत सोचना, इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूट्यूब से चल रही है। तो ये साइट देख लो एक बार, समझ लो साइट को क्या है। ये साइट, ये है वो साइट, ठीक है, जिस पे इसने मेरा ये चैनल यहाँ पर डाला हुआ है। और ये देखो, ये चैनल मेरा ही है, इसने मेरे दूसरे चैनल को भी यहाँ पर डाला हुआ है। और बड़ी स्मार्टली इसने दिखा रखा है कि यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस की कोई कॉपीराइट नहीं है, जबकि कॉपीराइट मुझे मिला हुआ है, ठीक है। तो देखो, ये मेरा चैनल है, और इस ये जो साइट है ना, ये बड़ी अजीब सी साइट है। इसके अंदर आप टेलीग्राम के अकाउंट्स खरीद सकते हो, ट्विटर के अकाउंट खरीद सकते हो। देखो, ये टेलीग्राम के अकाउंट्स यहाँ पे बिक रहे हैं, यूट्यूब के देखो हम जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो यहाँ पर बिक रहे हैं। अभी नेट थोड़ा सा स्लो है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ, अभी खोल के अभी आएंगे आपके सामने। तो ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, जो ग्रे मार्केट्स हैं यार, आप लोगों को भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। देखो, ये अश्विन टीवी बिक रहा है यहाँ पर, ये शायद हैक हुआ हुआ है। इसके इतने रुपये जो है ये मांग रहे हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं। और ये देखो, बालाजी टीवी जो है वो चैनल यहाँ पे बिक रहा है, 4,58,000 है। ये AMP भोजपुरी यहाँ पे बिक रहा है, और चाइना म्यूज़िक, और पता नहीं कौन कौन से चैनल्स यहाँ पे जो हैं वो बिक रहे हैं। ये देखो, ये मेरा चैनल भी यहाँ गेम्स में डाला हुआ है, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कोड प्रोवाइड नहीं कराएगा, सिंपल आपको वो चीज़ें दे देगा। और ये देखो यहाँ पर, ये चैनल मेरा, ये चैनल भी यहाँ पर 450 रुपये में यहाँ पर मेरा चैनल ये बिक रहा है। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े ये लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। और ट्विटर पे मैंने, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्विटर पे मैंने क्या आज मेल मैसेज किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने प्रोफाइल पे जाके, कहाँ है मेरी प्रोफाइल, ये रही मेरी प्रोफाइल।
ये देखो, मैंने जो है इन सबको किया था, टेक्निकल सागर गुरुजी सबको किया था, लेकिन इन लोगों से से को कोई रिस्पांस नहीं आया। अभिषेक ने रिस्पांस ज़रूर दिया था मुझे। ये देखिए, टीम यूट्यूब को मैंने कर दिया है, टीम यूट्यूब इंडिया को भी मैंने कर दिया है। आप लोग जाकर इस ट्वीट को, आप मेरी प्रोफाइल देख लो, अभिषेक अंडरस्कोर MBD है, इस जाकर इसको प्लीज़ रीट्वीट कर दो, जिससे जल्दी थोड़ा सा काम हो जाए, ठीक है? तो और YouTube इंडिया की, YouTube ग्लोबल की तरफ से जो मेरे को मैसेज आया है वो भी पढ़ लो। ये आया है मेरे पास, थैंक यू फॉर द अपडेट्स, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज़ रियली बॉदरिंग यू बिकॉज इट सीम्स लाइक समवन इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर चैनल एंड दैट यू वर्क हार्ड फॉर। फॉर नाउ आवर इंटरनल टीम, यहाँ से पढ़ो, स्टिल लुकिंग इन टू दिस, डोंट वरी, आई हैव सेंट द फॉलोअप। तो यहाँ पर काम हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है? और एक तो वेबसाइट ये वाली, आपको इस पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपका हैक होता है तो सबसे पहले जाके आप इस साइट पर देखो। साथ साथ APK फॉर ऑल, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, प्लीज़ इस साइट से बच के रहो, और जितना जल्दी हो सके इस साइट को रिपोर्ट कर दो गूगल को कि ये जो साइट है ये एक तरीके से स्पैम है। और इस साइट पे देखने में आपको बहुत लगेगा कि सारे APK मिल जाते हैं, आपको प्रीमियम APK सारे मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था तो मुझे पता चला था, क्योंकि मैंने कौन कौन सी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाली हैं और कौन कौन सी ऐप मैंने थर्ड पार्टी से करी है, तो उसमें से एक लिंक ये भी निकल के आया है। तो मेरा सस्पेक्ट है कि APK फॉर ऑल से कोई ऐप डाउनलोड हुई है और कहीं ना कहीं उसने ही सारा जो झमेला है वो खड़ा किया है। तो इस तरह की कोई भी तो थर्ड पार्टी है, प्लीज़ उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। तो ये अपडेट थी, और आपको थोड़ा सा आगाह भी करना था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समझ में जो है नहीं आ पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ, तो आप प्लीज़ आप उस इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, अगर आपकी भी इस तरह की दिक्कत है। और अगर किसी को कोई इंग्लिश लिखने में दिक्कत आ रही है, उसका हैक हो गया है, तो मैं उसको पूरा गाइड कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ये क्रिएटिव कॉमन में डाल रहा हूँ वीडियो, जो भी अपडेट होगी आपको दोबारा बताऊंगा।